नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एम्बुलेंस कर्मियों ने किया प्रदर्शन, समाधान न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से है, जहां आज दिल्ली रोड स्थित एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मियों ने ठेकेदारी को खत्म किए जाने की मांग की है। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया, ठेकेदारी खत्म होने पर पुराने एम्बुलेंस कर्मियों को हटाया जा रहा है। ठेका नई कंपनियों को दिया गया है, जो कि अपनी ठेकेदारी द्वारा नए एम्बुलेंस कर्मी नियुक्त कर रही है। इसके विरोध में आज दिल्ली रोड स्थित एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर जनपद की सभी एम्बुलेंस सेवाओं का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा मात्र 5 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा के लिए सेवारत की गई। एम्बुलेंस कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर ठेकेदारी पूर्ण होना बताकर नई कंपनी द्वारा नियुक्त कर कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एम्बुलेंस कर्मियों को सेवा मुक्त किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संवाददाता हसीफ खान, सहयोगी परमवीर सिंह की रिपोर्ट। ये हमारे ALS के कर्मचारी हैं, लगभग 10-12 कर्मचारी हमारे ALS के हैं और बाकी हमारे 108 के कर्मचारी भी हैं। पूरे 1200 कर्मचारी हमारे पूरे राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर। उनको जो है GVK MRI कंपनी द्वारा पहले 108 में रखा गया था, उसके बाद 5-6 साल सेवा देने के बाद उनको ALS में सम्मिलित कर दिया गया। जो हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, जो जिले से बाहर लेकर के जाती है, केस चंडीगढ़, दिल्ली और मेरठ वगैरह लेके जाती है, पहले ऋषिकेश भी जाती थी। तो उस पे जो लड़के हैं, बहुत ही क्वालिफाइड लड़के हैं, सभी फार्मासिस्ट हैं ज़्यादातर, और उनको हटा दिया गया है। कंपनी जो है चेंज कर दी गई है, ठेका चेंज कर दिया गया है। ZHL नाम से जो कंपनी है उसको ठेका दे दिया गया है, और उसमें जो लड़के वो रख रही है वो नए भर्ती कर रही है, उन लड़कों को नहीं रख पा रही है जो पुराने लड़के हैं। अगर उनको रख भी रहे हैं तो 20,000 रुपये की DD उनसे जो है ली जा रही है। जी अनिल कुमार, ये मामला हमारा ये है जी, जो हमारे पुराने लड़के थे जो गाड़ी आदमी में एडवांस लाइफ सपोर्ट में थी, उनके लड़के हटा दिए गए, दूसरी कंपनी पे टेंडर चला गया, वो अब मना कर रहे हैं इन्हें रखने के लिए। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पुराने लड़के इसी उसमें रखे जाए, या दूसरी कंपनी आ रही वो ले। मांगे नहीं पूरी होती तो क्या आगे? मांगे नहीं पूरी होती होती हमारी गाड़ी खड़ी रहेंगी। तो आज आप लोगों ने स्ट्राइक की है, इसमें लगभग जो लोगों को परेशानी होने वाली है उससे नहीं, उसमें ना हमारे गाड़ियाँ उपलब्ध करा रखी है, जिले में 5 गाड़ियाँ उपलब्ध हैं इमरजेंसी केस के लिए, वो चल रही है। अगर कोई एक्सीडेंट या कोई रेफर केस आता है तो वो गाड़ी केस करेगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें DD Today News।